नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूं पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले नजर डालते हैं देश की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस माताओं बहनों का जेवर लूटना चाहती है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग, बंगाल भाजपा अध्यक्ष और तृणमूल समर्थकों में झड़प। पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का आरोप। चुनाव आयोग से नोटिस के बावजूद नड्डा बोले, कांग्रेस ओबीसी एससी एसटी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, 2 आतंकी मारे गए। तेलंगाना सीएम बोले, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश, कहा बीजेपी और आरएसएस साल 2025 तक रिजर्वेशन हटाने की तैयारी में। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। दूसरे चरण में राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान, देश की सबसे हॉट सीट है बाड़मेर जैसलमेर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने परिवार सहित किया मतदान, चित्तौड़गढ़ से लोकसभा प्रत्याशी है सीपी जोशी। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया। लोकेश शर्मा के आरोपों पर बोले अशोक गहलोत, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या खुलासे किए हैं, मैं ऐसी बातों में नहीं पड़ता। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। गोविंदा और कृष्णा अभिषेक में खत्म हुई अनबन, बेटे के साथ भांजी आरती की शादी में पहुंचे एक्टर, लेकिन पत्नी नहीं आई नजर। ऑनलाइन ट्रोलिंग पर बोली लारा दत्ता, बुढ़ी और मोटी जैसे कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, इससे मेरी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की प्रमुख खबरों पर। बेंगलुरु आईपीएल सीजन में लगातार 6 हार के बाद जीती, हैदराबाद 4 जीत के बाद हारी, कोहली पाटीदार की 50, कर्ण स्वप्निल और ग्रीन को 2-2 विकेट। जावी हर्नांडेज जून 2025 तक बार्सिलोना के कोच बने रहेंगे। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की खास खबरें। आईसीआईसीआई बैंक के 17,000 यूजरों का क्रेडिट कार्ड डेटा लीक, बैंक ने कार्ड ब्लॉक किए, मुआवजे का दिया आश्वासन। निफ्टी 22,550 अंक के ऊपर बंद हुआ, सेंसेक्स में भी 487 अंकों का उछाल। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से की बात, मुक्ति दिवस की दी शुभकामनाएं। अफगानिस्तान में सड़क दुर्घटना में 5 की मौत। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉग इन करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और साथ ही प्ले स्टोर से जाकर हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।